मेरा एक सीधा सवाल है कि अगर हमने कोई गलती की, तुम्हारे पास कोई सबूत है, मैं नकली वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सचमुच तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम 18 महीने से मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करके रखे हो और मैं 8 साल से घूम रहा हूं और कॉलर पकड़ करके तुमको तुम्हारी औकात बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं, हम सच के साथ खड़े हैं, हम जो पूछते हैं इस देश हित में पूछते हैं, हम जो लड़ते हैं लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, हमने लोगों का नमक खाया है इसलिए हम नमक की अदायगी कर रहे हैं और उसी नमक की अदायगी करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने मुझे उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एक व्यक्ति को एमपी बनाने का चुनाव नहीं है, एक पार्टी की सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात का फैसला करने के लिए है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। यह चुनाव इस बात का फैसला करने के लिए है कि इस देश में संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। कैसी खुलेआम बेईमानी चल रही है, जिन लोगों पर यह आरोप लगाते हैं वो व्यक्ति अगर इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले तो सारा आरोप धुल जाता है। मैं कहता हूं कि अगर केजरीवाल जी भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते तो वो जेल में नहीं होते, अगर मनीष सिसोदिया जी भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते तो वो जेल में नहीं होते। यह जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है इसका फैसला हम लोगों को करना पड़ेगा और हमको ये समझना पड़ेगा कि हम अपने कर्म से ही, गीता में यही लिखा हुआ है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, हमको अपने कर्म से ही अपने काम को सार्थक करना पड़ेगा। और इस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, जो 24 लाख वोटर हैं, उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि वो बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो एक बदलाव के विकल्प के रूप में हम आपके सामने खड़े हैं। बोलिए, आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव चाहते हैं? दोनों हाथ उठा करके बोलिए। आगे से हैं तो कोई आकर के आपको गुमराह करने की कोशिश करे। सांसद महोदय आ रहे हैं और जब लोग उनसे पूछता है, आज आए थे वहां पुस्ता की सड़क पे सुबह पे और गली में घुसने का हिम्मत नहीं, पूछते कि साहेब गाना बजाना ही होगा कि सड़क भी बनेगी, गली भी बनेगा? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। इसी आपका अपना मुंह गंदा हो जाएगा, आपका अपना मुंह इसलिए गंदा हो जाएगा कि हम विपक्ष में हैं, सवाल पूछना हमारा काम है, आप सरकार में हैं और आप 10 साल से सरकार में हैं, जवाब देना आपका काम है, सवाल पूछना आपका काम नहीं है। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए कि आप आकर के चुनाव के वक्त में हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि 4 महीना का और वक्त दे दो, क्या 4 महीना का टाइमिंग मांग रहे हैं ना? गनीमत है कि 4 महीना मांगा है, क्या पता 9 महीना मांग लेते कि वो जो बच्चा गोद में है वो बच्चा चलने लगता, विकास नाम का बच्चा। 4 महीना मांग रहे हैं तो आप तय कीजिए कि जो आदमी 10 साल में डबल पुस्ता नहीं बनाया, जो आदमी 10 साल में अपने नाम का एक पत्थर नहीं लगाया, जो आदमी 10 साल में एक स्कूल नहीं बनाया, जो आदमी 10 साल में एक अस्पताल नहीं बनाया, आपको लगता है कि 4 महीना उसको मौका दे दीजिएगा तो कुछ करेगा? बोलिए, लगता है? तो फिर से गुमराह होंगे हम लोग, फिर से गुमराह करने की कोशिश करेंगे कोई? इसीलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, हम सिर्फ आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि मैं एमपी कैंडिडेट नहीं हूं, आपको एमपी कैंडिडेट बनना पड़ेगा। ये आपके अस्तित्व की लड़ाई है, ये आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है और मैं कहता हूं